अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी पहली वीडियो में आपको ये एक सैम्पलिंग कार्ड के मतलब बताया गया था कि सैम्पलिंग कार्ड क्या होता है, किस तरह काम करता है। ये वो सैम्पलिंग कार्ड का आज पार्ट टू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसकी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में ये मैंने आपको बताया था कि ये चाइना कंपनी का एक सैम्पलिंग कार्ड का ओवरव्यू भी दिखाया था। आज हमने इसको इंस्टॉल किया है, ये हमने इसके 220 वोल्ट दिए हैं, ये देख सकते हैं जेबी के अंदर हमने खूबसूरत तरीके से इसको लगाया है। तो ये पावर इंडिकेशन भी ऑन है इस टाइम, ये सैम्पलिंग लाइट भी आप देख रहे हैं, शायद ये ब्लिंकिंग भी आपको ये नज़र आ रही होगी, ये भी ब्लिंक करेगा कुछ टाइम के बाद। ये देख सकते हैं आपको ब्लिंकिंग भी नज़र आ रही है। ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग और टाइमिंग वगैरह भी यहाँ से एडजस्ट की हुई है। ये सेफ्टी फ्यूज़ और ये टॉगल स्विच, इसके मतलब मैंने आपको बताया था कि किस तरह इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो आज ये इंस्टॉल किया हमने, तो इसका भी जो सेकेंड हिस्सा मैंने आपको बताया था जो सैम्पल कलेक्ट करता है कॉयल, वो हमने इधर इंस्टॉल किया है और साइड पर उसको लगाया है। ये साइड पर अभी मैं आपको क्लियर साइड पर जा कर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये वो हिस्सा है जो हमने सैम्पलिंग के तौर पे ऊपर लगाया, थोड़ा सा हाइट पे है, यहाँ से आपको नज़र सही से आ रहा है उम्मीद है। ये उसके साथ एक प्राप लगाई गई है जहाँ से वो सैंपल हम ये सीमेंट फैक्ट्री में है, सैंपल इकट्ठा होके आ रहा है। ये उसके नीचे एक हमने पॉड रखा है, ये बर्तन जिसको कहते हैं, इसमें वो सैंपल इकट्ठा होता है, ये पाउडर शेप में है। तो ये हमने पूरी इंस्टॉलेशन वीडियो भी आपको दिखा दिया है, जैसे ये ऑपरेट होता है तो पल्सेस के ज़रिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पल्सेस आती हैं जिससे वो मटेरियल निकाला जाता है। तो मटेरियल इस प्रॉप से होता हुआ नीचे पार्ट में आ जाता है, इधर इकट्ठा हो जाता है, तो हम वो मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे साथ एक इंजीनियर भी मौजूद है जो भी इसकी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, जाना होगा किस तरह एक सैम्पलर और एक साथ में उसके मैग्नेट कॉइल को इंस्टॉल करना है और किस तरह सैंपल कलेक्ट करना है और फ्रीक्वेंसी की एडजस्टमेंट वगैरह वो स्क्रू से टाइमिंग वगैरह के एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी टाइम में वो पल्सेस आपको चाहिए होती हैं कि कितनी टाइम में ये पल्सेस ऑपरेट और वहाँ से सैंपल कलेक्ट होके नीचे इस जार में इकट्ठा हो जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, मेहरबान।